हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज इस ब्लॉग में आपको खटीमा तराई बाबर की सैर कराते हैं। तो कल हम लोग खटीमा मेला घाट रोड पे अपने ताऊजी के घर पे थे और अभी अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जनकट की ओर और फिर वहाँ से ड्यूरिया एक गांव है वहाँ पे हमारे एक अंकल हैं तो उनके घर पे हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आपको जो ग्रामीण एरिया है खटीमा का वहाँ आपको लेके चलते हैं। तो गाइस ये देखिए अभी हम लोग जनकट से आगे ड्यूरिया गांव की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए फिलहाल रोपाई चल रही है। यहाँ पे आज आपको तराई भावर खटीमा की सैर कराते हैं बिज्जू के साथ में। थक गया लौंडा। ये देखिए कराल का लूटा, इस तरह से यहाँ पे लूटे बने हुए पराल के। सो गाइस अभी खटीमा से हम लोग जनकट की ओर आ गए हैं और यहाँ पे ड्योरिया एक गांव है। पूरा एक ग्रामीण एरिया आप देख रहे हैं, खेत खलियान और पूरा गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे तराई भावर का एक गांव। ये ड्योरिया से अब हम लोग दिया गांव की ओर निकल पड़े और यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर में हमारे अंकल का घर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ग्रामीण परिवेश, खेत खलिहान, तालाब, नहरें, सब कुछ यहाँ पे है। एंड गाइस फिलहाल हम लोग रास्ता भटक गए और बस घूम रहे हैं हम मस्त तरीके से। वही है, घूमते घामते पहुँच ही जाएंगे, बताया तो है उन्होंने बट हमें उतना आइडिया आ नहीं रहा है। तो हम लोग बस इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं गर्मी में तराई भावर में। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने अंकल के घर पे ड्यूरिया दिया गांव में एंड बिज्जू सिंह अभी यहाँ पे आराम फरमाते हुए। तो चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। बाहर अभी काफ़ी गर्मी हो रही है वैसे तो। ये देखिए गाइज, ये है हमारे अंकल का पोल्ट्री फार्म। यहाँ पे करीब 1000-1200 मुर्गियाँ एक बार में रहती हैं और अभी अंकल जो है मुर्गियों को चारा दे रहे हैं यहाँ पे। ये है गौ माता एंड अभी फ़िलहाल यहाँ पे घास खा रही है। ये देखिए गाइज, यहाँ पे चल रही है फसल की कटाई, गेहूँ की कटाई यहाँ पे चल रही है और चारों ओर का व्यू कुछ इतना प्यारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे गर्मी काफ़ी है बट व्यू जो है बहुत ही प्यारा। सो गाइज अभी लंच वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से नानकमत्ता डैम और फिर उसके बाद हल्द्वानी चोर गलिया होते हुए हल्द्वानी निकलेंगे। सो गाइज अभी दिया गांव में हम लोग हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से नानकमत्ता की ओर। अभी लंच करके हम लोग नानकमत्ता निकल रहे, नानक सागर डैम जो है उसका व्यू आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लग रही है रुपाई, मतलब रुपाई लगाने के लिए यहाँ पे बीज रखा जा रहा है इसको मतलब बाद में खेतों में रोपा जाएगा रुपाई के टाइम पे। तो रुपाई की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है फिलहाल। और ये भी यूल हुई है ना बिन रख रही है। देखिए यहाँ पे चल रही है गेहूँ की कटाई, गेहूँ है ना ये, इस तरीके से गेहूँ काटा जाता है यहाँ पे। यार मज़ा आ गया, जितना ही एक चक्कर में काटेगा हमारे वहाँ 10 दिन लग जाता है काटने में। काश हमारे वहाँ भी ऐसी मशीन आती ना। सब अलग कर दिया, भूसा अलग, गेहूँ अलग, मज़ा आया। नहीं ले जाए फिर यहाँ से तिमली गहरा में दौड़ाएंगे उसको। आधे घंटे में सब साफ। वो सीन ऐसा है, हम लोग कर रहे हैं ऑफ रोडिंग तगड़ी वाली, के ऊपर शायद नानकमत्ता डैम है, नानक सागर डैम होगा शायद, कन्फर्म तो नहीं है, हो सकता है गूगल मैप के अकॉर्डिंग। सो गाइस हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हमें लग रहा है कि इसके पीछे नानकमत्ता डैम है। जरा रोक के देख ही लेते हैं ग्राउंड। तो इसके पीछे है, ओ बेटे चूतिया घट गया, चल वापस। ये तो गेहूं के खेत। जाना था फिर हम नहीं। तो
हम लोग फिर से भटक रहे हैं यहाँ पे। हमें लगा था डैम है बट वो तो पीछे खाई है, खाई नहीं है मतलब खेत है पीछे। हम लोग फिर से भटक रहे हैं इन वादियों में। रहा तो बड़ी मुश्किल है मगर जो मंजिल है वो बड़ी खूबसूरत है। आने का मजा है। क्या नहीं यहाँ पे सीमेंटेड रोड है। ओए भागी आगे खतरा है, खतरा है। एबीएस 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 लगा ये एबीएस काम आया नहीं तो अभी उधर जमा होते कहीं। गाइस यार हम लोग भटकते भटकते दुनिया के आखिरी कोने पे आ गए हैं। इससे आगे दुनिया ख़त्म हो गई है, आई मीन रोड ख़त्म हो गई है, और जहाँ रोड ख़त्म वहाँ दुनिया ख़त्म। सो गाइस हम लोग पिछले आधे घंटे से भटक रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मानो किसी भीड़ में भटक रहे हैं। अबे भाई दलदल हो सकता हूँ, कहाँ घुस रहा है ऐसे। सो गाइस आंटी जी ये नानक मत्ता डैम जाना था, ऊपर ऊपर चल जाए ठीक। ओके अच्छा धन्यवाद। तो उम्मीद की एक किरण जगी और इन बीहड़ से, खतरनाक बीहड़ से हमें आगे एक बड़ा सा डैम देखने को मिलने वाला है। तो चलिए 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 उम्मीद लगाए बैठे, और अगर डैम मिल गया तो टाइम बचा देना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओ माय गॉड फिर से कट गया हमारा। फिर से गन्ने के खेत मिले हैं यहाँ पे। तो उधर कहीं पानी दिखाई दे रहा दूर, देख देखा भगा रंपाट बना सांप बना दे सीधे पानी में डाल दे। पानी में डुबकी मार के आएंगे सीधे। सो गाइस यार पिछले कई देर से हम लोग चल रहे हैं इस रोड के किनारे किनारे, बट अभी तक डैम नहीं आया। डैम काफ़ी दूर है अभी भी। तो पूरे 800 घंटे हो गए सर, पूरे 875 घंटे से हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं और डैम पता नहीं कब आएगा। ये अजीबोगरीब लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं दुनिया का कोना अंत आने वाला है, दुनिया यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी ऐसा लग रहा है। सो गाइस देखिए नीचे अच्छी खासी डामर रोड है, और जैसे हम ऊपर आए यहाँ की रोड में गड्ढे गड्ढे, मतलब हम जहाँ जाते हैं वहाँ गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। हमारी किस्मत में गड्ढे गड्ढे हैं क्या भाई, गड्ढे गड्ढे और बड़े बड़े तालाब जहाँ डूब के मर जाते हैं। हमारी किस्मत में झेल लेंगे इन गड्ढों को भी यार। हाँ। कैसे कैसे गड्ढे झेलेंगे, मच्छी पकड़े देखे बहुत बड़ा डैम है। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे चल रही फिशिंग ये, और ये है नानक मत्ता डैम। वहाँ पे हंसों का जोड़ा, एक्चुअली हंसों के जोड़े बहुत सारे। तो फिलहाल क्या बोल रहे हैं यार, गर्मी से हालत ख़राब हो गई। तो आप लोग व्यू देखिए और फिर हम लोग भागते हैं यहाँ से। सो गाइज बाय बाय टू नानक सागर डैम, और ये नानक सागर डैम के किनारे किनारे रोड जा रहे हैं, और हम लोग गर्मी के मारे यहाँ से वापस जा रहे हैं नीचे। गाइज एक और फिर से हम लोग नेशनल हाईवे 9 पे आ गए, और खटीमा सितारगंज की ओर ये रोड जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 फॉर 5 किलोमीटर्स। का जूस पियेंगे। लल जाए रहा ना जाए, गर्मी से परेशान बच्चू गन्ने की तलाश में। तो गाइस अभी गर्मी से बुरा हाल हो गया है। हम लोग आए थे यहाँ पे गन्ने का जूस पीने, तो पीछे आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसके पीछे डैम है नानक मत्ता डैम। हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे उस रोड पे, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। यहाँ पे गन्ने वाला दिखा, तो वहाँ से डाउन आके अभी यहाँ पे गन्ने का जूस पी के आप। सो गाइस ये देखिए ये आ गया नानक मत्ता बैराज, साइड में डैम है। तो यार सितारगंज का जो सिकुल वाला एरिया है उसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और वहाँ से फिर हल्द्वानी, अभी 25 किलोमीटर रिमेनिंग हल्द्वानी, एंड वेदर इज सो ऑसम।
So guys, अभी हम लोग पहुंच गए हल्द्वानी के कोलापार और यहाँ पे दौलतपुर गांव है और फिर दौलतपुर गांव से हम लोग जा रहे हैं देवपुर गांव की ओर। तो यहाँ पे भी हमारे एक अंकल है, आज हम लोग उनके वहाँ पे रुकेंगे। एक खास बात है, यहाँ से ऊपर सामने पहाड़ आ गए हमारे अपने पहाड़ नैनीताल और भीमताल भवाली, फिर वहाँ से अल्मोड़ा रेडीहाट। वाह, तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो यार अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी आगे का जो भी सीन होगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।